तुर्की और सीरिया विनाशकारी भूकंप जैसी आपदा झेलकर लाशों का मंजर और मलबों में बदल चुका है। और सोमवार को आए इस भूकंप में 4000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बात का अंदेशा रिसर्चर फ्रैंक हुंगरविट्स पहले ही लगा चुके थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फ्रैंक हुंगरविट्स डच के शोधकर्ता हैं जो भूकंपीय गतिविधि पर अध्ययन करते हैं और ये सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे का भी रिसर्चर हैं। भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने वाले सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के रिसर्चर फ्रैंक हुंगरविट्स ने इस विनाशकारी भूकंप के 3 दिन पहले ही ट्विटर पर भविष्यवाणी की थी और कहा था कि दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के आसपास के क्षेत्र में 7.5 तीव्रता वाला भूकंप आएगा। और फ्रैंक हुंगरविट्स ने ऐसी ही एक भविष्यवाणी भारत के लिए भी की है। और आजकल फ्रैंक हुंगरविट्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अफगानिस्तान में आने वाले बड़े आकार के भूकंप की भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में डच शोधकर्ता का अनुमान है कि भूकंपीय गतिविधि भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरेगी और अंततः हिंद महासागर में समाप्त हो जाएगी। Over Pakistan into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. Interestingly, we already seen magnitude 5.8. और इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में होगा। हालांकि अभी इस बारे में उन्होंने इसे सिर्फ बड़े आकार का भूकंप बताया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी होगी इस बारे में उन्होंने अपने वीडियो में कुछ नहीं कहा है। वैसे भूकंप के झटके आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं और आखिरी बार किस साल में आपने भूकंप का झटका एक्सपीरियंस किया था, हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक तथ्य और ज्ञान भरी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।